नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर के गोटी गांव में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लगभग 2 दर्जन पंजीकृत जोड़े छलावे का शिकार हो गए और अब प्रशासन के दरवाजे पर शादी कराने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्राम सचिव व और सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी करने वाले युवक युवतियों के समस्त दस्तावेज लेकर नियम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्हें गोटी गांव की बगासपुर में और फिर आज इमालिया में सामूहिक विवाह के लिए बुलाया गया, जहां एक साथ कई जोड़े परिजनों के साथ दूल्हा दुल्हन के परिवेश में गाजे बाजे के साथ इमरिया पहुंचे, पर ना वहां कोई आयोजन स्थल और ना ही अधिकारी मौजूद मिले और खुद को ठगा महसूस कर उन्होंने गोटेगांव एसडीएम कार्यालय पहुंचे और खुद के साथ धोखा होने की बात कही। खुद एसडीएम और जनपद के अधिकारी बताते हैं कि शासन द्वारा आज सामूहिक विवाह का आयोजन कहीं नहीं किया जा रहा है और लगता है कि इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। अतः पीड़ितों को थाने में शिकायत करने की सलाह दी गई जिससे दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। रात में बोले 10 बजे कि होगी शादी, सुबह आ जाना 9 बजे। हाँ। और सुबह पूछा तो बोला कि कैंसिल हो गया, सब तैयारियाँ हो गई, हमारा बहुत पैसा भी खर्च हो गया। अच्छा, किसने बोला कि नहीं हो रही है? कर्मचारी ने बोला जिसने फॉर्म जमा दिया। तो किस कारण से क्या मना किया गया, क्यों मना किया गया? पता, कारण पता नहीं, पर मना कर दिया सीएम साहब। काहे के तहत शादी हो रही थी आपकी? सम्मेलन से हो रही थी। कब कब डेट मिली, कैसा मिला? पहले 25 की थी, अब 10 की दी थी। हाँ। तो बस कैंसिल कर दिया 10 में। कहाँ पर होना थी शादी? बगासपुर बोली थी पहले। और आज? फिर आज बोली थी कम थी मलिया। हाँ, तो वहाँ आप लोग गए थे? हाँ, पर मना कर दिया। कल बोली थी कि शादी होएगी, सुबह 10 बजे कम थी मलिया पहुँचना है। हाँ। अचानक में बोल रहे कि कैंसिल हो गई। अच्छा, क्यों कैंसिल कर दी गई? पता नहीं सर क्या कारण है, इसलिए कैंसिल बोल रहा है। किसकी गलती मानते हैं आप? सीओ सर की गलती। अच्छा, क्या बोला उन्होंने अभी आप लोग गए? अभी उन्होंने बोला कौन सा जोड़ा, कौन सा शादी, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, पर हम लोग को भगा दिया। अभी अभी संज्ञान में आया है, उस समूह ने अनाधिकृत तौर पे जो है लोगों के फॉर्म भरवाए विवाह के लिए और उनको विवाह का जो है गाँव में लेकर आए हैं। जब प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई तिथि ऐसा कोई विवाह का आयोजन नहीं किया गया। सर, ये जो धोखाधड़ी हुई है तो इस पर कार्रवाई क्या होगी? हाँ, शिकायत ये थी, मान लो ये आते हैं जिनके साथ में ऐसा कृत्य हुआ है वास्तव में, तो सीधे पुलिस थाने में जाएं, उनके खिलाफ जो है FIR कराएं, संबंधित खिलाफ कार्रवाई होगी।